अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। और तो ये मेरा नया चैनल है जिस पे मैं अपनी फ़र्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी फ़र्स्ट वीडियो क्यों ना ये बना दूँ कि मैंने अपना पिछला वाला चैनल क्यों छोड़ा था और मैं इतने टाइम तक कहाँ चली गई थी एंड मैंने यूट्यूब क्यों क्विट किया था और अब मैं स्टार्ट क्यों कर रही हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इन सारी चीज़ों को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने अपना पिछला वाला चैनल क्यों छोड़ा था। तो उसकी कोई दो तीन रीज़न्स थे। पहला तो ये कि मतलब मुझसे YouTube नहीं हो रहा था, मुझसे व्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी और जिस तरह से सब लोग पूछते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, आई मीन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे वहाँ पर दिख रही थी एंड यू नो कि मेरा खुद का माइंड भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था, चीज़ें सोच सोच के सब कुछ कर करके बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को मैं क्विट कर दूं। और बाकी ये कि इसलिए भी किया था कि मैं अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो शेयर नहीं करना चाह रही थी ज़्यादा और मुझे मतलब कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना इस तरह से सोशल मीडिया पर। और बाकी मदनी का चैनल था वो, तो मैंने वो चैनल उसको वापस कर दिया था और क्योंकि मुझे यही लगा कि हाँ उसी का चैनल तो उसके पास ही होना चाहिए और अगर फ्यूचर में मुझे कभी चैनल बनाना पड़ा या व्लॉगिंग कंटिन्यू करनी पड़ी, यूट्यूब कंटिन्यू करना पड़ा, तो मैं अपना चैनल बना लूँगी। तो बाकी का जो अरसा था बीच का, और उस अरसे में मैंने बहुत ज़्यादा रेस्ट किया, मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, मैंने अपने घर पे टाइम दिया, अपनी लाइक अपनी मैरिड लाइफ में टाइम दिया एंड आई लर्न्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। और बाकी अब दोबारा से चीज़ें जो मैं मतलब यूट्यूब कंटिन्यू करना चाह रही हूँ और ब्लॉगिंग करना चाह रही हूँ, तो उसका भी एक रीज़न है। वो ये कि एक तो जिस तरह से पाकिस्तान की पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस आई हुई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और आई मीन सब चीज़ों की प्राइस एंड एवरीथिंग वो तो आसमान को टच कर रही है। तो ऐसे में सिर्फ एक इंसान अगर घर को चलाए तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो मुझे अपने हस्बैंड की सपोर्ट करनी थी फराज की सपोर्ट के लिए। दूसरा ये कि आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, बट स्टिल मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए क्योंकि हर कोई कर रहा है, एवरीवन इज़ हेल्पिंग देयर हस्बैंड्स, तो व्हाई नॉट आई, क्योंकि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं कर सकती हूँ और अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकती हूँ और अच्छा खासा अर्न कर सकती हूँ इस जगह से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दोबारा से ये चीज़ कंटिन्यू करूँ और इस चीज़ में मुझे सब ने सपोर्ट भी किया है। मेरे जो YouTube क्विट करने का फ़ैसला था उसमें भी मुझे फराज ने सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और अब जब मैं दोबारा से कंटिन्यू करना चाह रही हूँ तो उसमें भी मुझे सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और फराज की फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है इस चीज़ के लिए। बाकी ये मेरा मेन रीज़न है YouTube कंटिन्यू करने का। और दूसरा क्योंकि यहाँ पर हर कोई एवरीवन इज़ डूइंग देयर जॉब्स और हर कोई घर में कंट्रीब्यूट कर रहा है सिवाय मेरे, तो मुझे ना थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था कि आई शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा से मैं YouTube कंटिन्यू करूं एंड आई नो कि काफ़ी ज़्यादा लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अभी इसने कंटिन्यू किया है फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद ये छोड़ देगी ये वो। मेरा जो मेन इशू था ना वो यही था कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ ना शेयर करूं यूट्यूब पर, अपनी पर्सनल चीज़ें ना ज़्यादा आकर खोलूं, ना ज़्यादा आकर बताऊं और बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज ना करूं। तो इसका यही सॉल्यूशन मुझे सब ने बोला है और मैंने भी यही सोचा है कि अपनी पर्सनल लाइफ को मिनिमम शेयर करें, बहुत ज़्यादा कम शेयर करें, अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा ना दिखाएँ। और जब
आप कहीं बाहर आ जा रहे हैं या सिर्फ वही बातें बताएं जो आप बताना चाहते हैं, तो इस तरह से आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि सब यही ही करते हैं ऑब्वियसली। आई मीन सोशल मीडिया इज़ अलाइव, यहाँ पर जितने भी यूट्यूबर्स या जो भी आपको देखने को मिलेंगे तो एवरीवन इज़ नॉट शोइंग 100% ऑफ देयर लाइव्स। और बाकी ये कि अगर चीज़ों को मिनिमम रख के मैं चलूँगी तो आई थिंक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कंटिन्यू करने से। एंड काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी हो गए थे कि मैंने चैनल छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी और बाकी कुछ लोग डिसअपॉइंट भी होंगे कि इसने फिर से कंटिन्यू कर दिया है चैनल, ये वो ये वो, मतलब यूट्यूब कंटिन्यू कर लिया है। तो पता नहीं, खैर देखते हैं कि ये वाली जर्नी कैसी जाती है। और बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं फ्यूचर में भी, और बहुत सी प्लानिंग्स हैं, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर ऑल दोज थिंग्स विद यू गाइज। और बाकी मैं चाहती हूँ कि आप उसी तरह से मुझे सपोर्ट करें, उसी तरह से मुझे देखें जिस तरह से आप पहले मुझे देखते थे। और वो टाइम पीरियड ऐसा था ना कि जब मेरे सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी, मुझे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, बट स्टिल आई क्विट के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा मुझ पर प्रेशर आ रहा है इस साइड से और मैं बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रही हूँ। बट अब मैं अपनी पूरी ट्राई करूँगी कि मतलब इस चीज़ को कम से कम वो करूँ, ज़्यादातर मैं बाहर की चीज़ें दिखाऊँ और नेगेटिव लोगों को इग्नोर करने का ट्राई करूँगी और बस उन्हीं लोगों पे फोकस करूँगी जो लोग मुझे प्यार करते हैं और मुझे मेरी वजह से देखते हैं। तो बाकी बस आई थिंक के इट्स एनफ फॉर टुडे। और जो जो बातें मैंने की, आई होप कि आपको समझ में आई होंगी और आप लोग मुझे समझेंगे और दोबारा से उसी तरह सपोर्ट करेंगे जिस तरह से आप लोगों ने पहले किया था। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।